नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सबसे बड़ी खबर। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, PDOSU का जो एग्जाम पैटर्न नोटिस है वो जारी हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर रीतम बासु जो कि परीक्षा नियंत्रक है PDOSU के, यानी शेखावटी यूनिवर्सिटी के, उनके सिग्नेचर देख सकते हो। इसी के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ऑफिशियली प्रूफ के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी 7 अप्रैल 2022 ये नोटिस है दोस्तों, वो आज ही जारी हुआ है। इसमें बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसको 50% कर दिया गया है। सबसे पहले तो यहां पर देख सकते हो प्रकाशन हेतु समाचार। इससे पहले दोस्तों आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, लास्ट में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, तो उसको देखकर आपको जाना है। सबसे पहले यहां पर देख सकते हो विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित समस्त महाविद्यालयों एवं परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2021-22 मुख्य परीक्षा 2022 में मूल पूर्णांक के 50% अंकों के प्रश्न हल करने होंगे तथा प्रश्न पत्र का निर्माण संपूर्ण पाठ्यक्रम से होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र की अवधि 1.5 घंटे की होगी तथा प्रश्न पत्र में खंड यानी कि लाइन सिस्टम नहीं रहेगा। मुख्य परीक्षा मई माह के द्वितीय सप्ताह में प्रारंभ कर दी जाएगी। और दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बात है वो लास्ट में बताई जाएगी, तो वीडियो पर पूरा एंड तक बने रहना। वीडियो को अगर छोड़ दिए बाद में कमेंट कर दोगे तो वो गलती आप सभी की ही होगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। स्नातक यानी कि UG और PG के अंतिम वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा मुख्य परीक्षा से पूर्व आयोजित करवाई जाएगी। इसी के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देख सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हो, यहाँ पर एक तरह से फेक का टैग लगाया गया है, यानी कि मतलब कि ये नोटिस है इसको फेक बताया जा रहा है। और इससे पहले यहाँ पर पूरी खबर देखना, क्योंकि पूरी खबर देखने के बाद में ही आप कुछ एक तरह से सोच पाओगे। इसमें क्रमांक नंबर नहीं दिया गया है। शेखावटी विश्वविद्यालय के हर एक नोटिस में क्रमांक नंबर होता है, यह सही है या गलत कल ही पता चलेगा। यानी कि दोस्तों ये नोटिस है वो सही है या गलत है वो कल आपको पता लग जाएगा। देखिए मुझे भी कंफर्म नहीं है कि ये आपका जो नोटिस है वो सही है या गलत है, लेकिन मुझे यहाँ पर डाउट लग रहा है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 2021 या 2022, तो यहाँ पर आप मेरे अंदाज से 2022-2023 होना चाहिए, लेकिन बाद में आपको कल देखने को पता लग जाएगा। अगर ये सही रहेगा तो मैं जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में पिन नहीं करूँगा, अगर ये गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको पिन करके बता दूंगा कि ये नोटिस आपका गलत है। बाकी वहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि ये नोटिस एक तरह से फेक नोटिस है। तो आप सभी भी अपनी राय जरूर देके जाना कमेंट बॉक्स में कि ये नोटिस सही है या गलत है। बाकी आपको आगे जाकर अपडेट देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद जय भारत।